हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो मैं हो चुका हूँ रेडी एनजीओ जाने के लिए, तो फटाफट से निकलते हैं। और अभी लेट नहीं हो रहा हूँ वैसे तो वहीं पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं और आज भी पिछली बार की तरह क्या, हर बार की तरह मैं ही पहले पहुंचा। हर संडे की तरह मैं ही पहले पहुंचा और ये लड़की पहले पहुंच गई। बात तो सही है, डेडिकेशन देख रहे हो इसकी और मेरी बात के साथ। लंबी क्या गई है तो यार, कैसे बताना नहीं चाहती। ये राज भी इसी के साथ चला जाएगा, तो एक बार सबको आने देते हैं, तब तक बैठते हैं यहीं, क्या कर सकते हैं। इतनी लेट, 7:15 हो गए भाई, 7 बजे का टाइम था, देख रहे हो। रीजन बताओ, रीजन क्यों लेट आई हो 3:15 पे? और वो भी इसकी वजह से लेट हुई है, जूस लेने गई थी। और वो भी दो पे में आ गई थी, अब कैमरा ऑन हुआ, देख रहे हो। शिट, मैं क्या सीखूंगा कैमरा ऑन करके, ये क्या सीखेगी? कैमरा ऑन करके रखना चाहिए। हाय मेरी लाडो। तो गाइस, जनता पीछे आ चुकी है, अब डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चों को बुलाने कौन जाएगा। और आज शायद सिर्फ पढ़ाई कराएंगे, बाकी और कोई एक्टिविटी है? मेंबर्स का मैं आज, और अभी भी 2 लोग बाकी हैं, तो बस फटाफट से वो करते हैं और बच्चों को बुलाते हैं, फिर एक्टिविटी स्टार्ट और आपको वो दिखाएंगे। तो गाइस, अभी सामान पहुंच चुका है, देख रहे हो, इधर पहुंच चुका है सामान। हमारा सामान आ चुका है सारा। हाँ, अभी और आ रहा है, अभी लोग भी आ रहे हैं हमारे। हाँ, और भी कुछ आ रहा है अब सिर्फ बच्चे रह गए हैं, बच्चे आने वाले हैं, फो आते हैं और फिर होती है एक्टिविटी स्टार्ट। और आज तो हम कुछ अलग ही दिखाने वाले हैं, करेक्ट? धमाका, मजा आ जाएगा यार, धमाको। हाँ, सही में धमाका होगा, अब हो जाए क्योंकि बोल दिया नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? और मैं काटने वाला हूँ नहीं इस चीज़ को, तो बच्चों के आने पर जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी फिर दिखाएंगे। अब आगे अपने बच्चे आ चुके हैं और वॉलंटियर्स सारे इधर हैं, बस मेरी बुक्स वो कॉपीज बच्चों को देंगे और फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। अच्छा भावना दीदी, बता रहे आप लोगों के क्या होता है वोल्केनो, सुनोगे उनकी बात? ठीक है, चलो भावना दीदी स्टार्ट करो। बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना अर्थ के अंदर, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसको
उस टाइम पे हम मैग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस टाइम पे वो मैग्मा होता है बस, ठीक है, जब तक वो अर्थ के अंदर है। ये मत करो, ये मत करो, पहले समझ लीजिए। और जब धीरे 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 जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गैस बन जाती है ना उसके अंदर, तो उसको जगह चाहिए निकलने के लिए, वो अंदर तो रहेगी नहीं, तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर मारती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना। और जब वो ऊपर की तरफ प्रेशर मारती है तो वो वॉल्केनो की तरफ, मतलब जो जो अर्थ होती है ना हमारी, वो एक मतलब प्रेशर बनता है तो ऊपर की तरफ हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो फट जाता है वहाँ से, वो गैस बाहर तो निकलेगी ना कहीं से, तो जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। तो जब तक वो अंदर होता है वो होता है मैग्मा, वॉल्केनो के अंदर होता है वो मैग्मा होता है, जब वो बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा। समझ आया सबको? बताओ मुझे कौन बताएगा? कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है, वो बाहर आएगा, लेकिन ये तो पूरी बंद कर दे। हाँ हाँ असली ज्वालामुखी तो है वो। अब हम इसमें डालेंगे मिंटोस, सबने खाई है मिंटोस? ये इसका रीजन कोई और होता है, ऐसे नहीं पड़ता हूँ। तो गाइस अभी एक्टिविटी लगभग खत्म होने को आ गई है, पीछे रैप अप कर रहे हैं सारी एक्टिविटी को, और आज वॉल्केनो देख करके तो मजा आ गया होगा। कितने को कैसा लगा? मैंने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं यार। मेहनत मेहनत दोनों, इन दो जनों की मेहनत, बहुत मजा आया। ठीक है, अब फटाफट से रैप अप कराते हैं, बच्चों को ड्रॉप करते हैं उनके घरों पे। ठीक है, अभी बच्चों को छोड़ने के लिए भेजा जा चुका है, और आज का दिन लगभग मस्त होने वाला है, मुझको लग रहा है। एक होता है ना सुबह की शुरुआत ही एक अच्छे काम से हुई है, तो उस तरीके से, तो अभी तो दिन बचा हुआ है, लगभग 10:30 हो गए हैं, अभी सामान वगैरह स्टोर रूम में करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहो, और देखो एक, लेकिन एक होता है ना कि सुकून मिलता है इस काम को करके, तो वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब जो भी करेंगे फिर वो दिखाते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, जैसे कि बोला था कि कहीं और जाएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, मेरे पीछे से पता लग ही रहा होगा, पर हम कहाँ हैं? डोमिनोज। पिज्जा खाएंगे? बस दिखाने हैं पिज्जा, सब खाते हैं, सब खाते हैं। ठीक है, चलो अभी ऑर्डर करेंगे, फिर करेंगे अभी, क्योंकि जस्ट अभी ओपन हुआ है और हम हैं पहले ग्राहक। पहले ग्राहक, इन्हें कसम देके बोल दें भैया पैसे कम, कुछ कम करो, पैसे कम नहीं, पहले से पहले ग्राहक है ये, होते ना निंजा टेक्निक, पहले ग्राहक भगवान माना जाता है ना। तो अब जब आता है ऑर्डर तब दिखाएंगे। सो गाइस, पिज्जा बना चुका है, अब पिज्जा खाएंगे और आपको दिखाएंगे, मजा तो तब आएगा ना जब चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट, फिर आपको भी दिखाते हैं। Come on.
गाइस पिज्जा अपना हो चुका है और अब जा रहे हैं घर के लिए। कैसा लगा वैसे पिज्जा? ठीक है, तो अब चलेंगे घर। तो घर पहुंच के आज का दिन कैसा जाने वाला है वो आपको तभी पता लगेगा। तो स्टे ट्यून और घर पहुंच के मिलते हैं आप। सो गाइस अभी फाइनली पहुंच चुका हूं घर और अभी तक का व्लॉग आपने देखा है, होप आपको पसंद आया होगा। अभी एंड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ जाऊंगा नहा करके फ्रेश वगैरह होते हैं और थोड़ी देर सोते हैं, फिर सीधे शाम को व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मतलब कुछ सेकंड्स की बात है, अगला आपको दिख जाएगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, हे गाइस वेलकम बैक। और अभी हो रहे शाम के कुछ 5, तो मैं नहा करके सो गया था, अब उठाऊँ पूरे दिन आज कुछ खाया ही नहीं, तो लंच करेंगे अभी, तो फटाफट से खाते हैं और फिर कहीं चलते हैं बाहर। ठीक है, सो दोस्तों इतने दिनों के बाद मिला हूँ मैं अपने भाई से, देख रहा है हाथ नीचे रख। तो देखा ना बहन को, देखा तुमने छिपकी पीछे, ये भाई का नया देख फिर भी दिख गई। चल ठीक है, तो अभी थोड़ी देर भाई के पास बैठेंगे फिर करते कंटिन्यू। सो गाइस अभी आ चुके हैं भाई के साथ थोड़ा बाहर की तरफ और लाइट ऐसे आ रही है, देख रहे हो हालत, गर्मी कितनी हो रही है यार दिल्ली में। मैं तो मजदूर क्या है भाई, घर पे सुबह से 9 से 10 बजे तक काम करोगे तो क्या होगा, मजदूरी में कहलाएंगे। तो कुछ आ गए थे ऐसे थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर, अपनी कुछ गुफ्तगू चल रही थी तो सोचा ब्लॉक कर लिया। संडे हमारी घर की शिफ्ट होती है, थोड़ी अलग शिफ्ट होती है, यस काम देखना पड़ता है। ठीक है, और अब थोड़ी अपनी बातें चलेंगी, कुछ चलेगा खाने वाने को जो भी चलना होगा, अभी तो खाली टेबल, फिर मिलेंगे, खाली है तो फिर मिलेंगे आपसे घर पहुँच के। ठीक है,